स्वच्छंदता, लय और ताल लोक नृत्यों की विशेषता होती है। लोक नृत्यों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब इस परंपरा से जुड़ती है नई पीढ़ी। हमारे कहने का मतलब है कि जब इनकी प्रस्तुति करती है हमारी किशोर पीढ़ी। ऐसे ही एक लोक उत्सव का आयोजन बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। शूरवीरों की धरती राजस्थान रंग रंगीलों का राजस्थान भी कहलाती है। यद्यपि संघर्ष इस धरती का स्वभाव रहा है, फिर भी नृत्य और संगीत राजस्थान में रचे बसे हैं। घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी के आसपास घूमर नृत्य का विकास हुआ। ये नृत्य होली, नवरात्रि, तीज, गणगौर पर विशेष रूप से किया जाता है, साथ ही विवाह आदि अवसरों पर भी किया जाता है। घूमर मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा घाघरा और चुनरी है। यही वेशभूषा घूमर नृत्य की भी है। बड़ी बड़ी चूड़ियां बाहों के ऊपरी हिस्से में भी पहनी जाती हैं। ये नृत्य अधिकतर समूह में किया जाता है। ढोल और मजीरे की पांव कोमल गति से थिरक उठते हैं। ताल के लिए ढोल और मंजीरे के साथ कभी कभी घंटे का भी प्रयोग किया जाता है। आरंभ में पैरों और हाथों की गति बहुत कोमल होती है। ताल के साथ हथेलियों की खुलती व बंद होती गति इस नृत्य को एक अलग ही विशेषता प्रदान करती है। जैसे जैसे ताल की गति बढ़ती है नृत्य स्फूर्तिवान हो उठता है और राजस्थान के इस घूमर नृत्य की उमंग से सराबोर हो उठते हैं दर्शक भी।